बात करते हैं साईं सिल्क कला मंदिर लिमिटेड की एंड इसके आने वाले आईपीओ की। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साईं सिल्क कला मंदिर लिमिटेड, इससे पहले ये कंपनी 2013 में 72-75 रुपीज के प्राइस बैंड पर अपना आईपीओ लेकर आने वाली थी। किसी वजह से 2013 में इस कंपनी का आईपीओ नहीं आया था। 2023 में अब ये कंपनी दोबारा से अपना आईपीओ लेकर आ रही है। ये कंपनी 10 साल बाद दोबारा से अपना आईपीओ लेकर आ रही है। सो जानते हैं इस कंपनी के बारे में। इस कंपनी के फाइनेंशियल देखेंगे, कंपनी का आईपीओ स्ट्रक्चर देखेंगे एंड साथ में जानेंगे दैट ये कंपनी अपने कंपटीशन में किस तरह से परफॉर्म कर रही है एंड साथ ही साथ जानेंगे कुछ ऐसे फैक्टर्स जो आपको जरूर कंसिडर करने चाहिए बिफोर सब्सक्राइबिंग टू दिस आईपीओ। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। साई सिल्क कला मंदिर लिमिटेड, बेसिकली ये एक अपैरल सेक्टर की कंपनी है, साउथ इंडिया फोकस्ड कंपनी है। इस कंपनी के 100% ऑपरेशन वो साउथ इंडिया में ही है। एंड अगर हम स्टेट्स की बात करें तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु एंड कर्नाटका, इन चार स्टेट्स में इस कंपनी के 100% ऑपरेशंस हैं। एंड जो साउथ इंडिया में टॉप 10 सबसे बड़े अपैरल रिटेलर्स हैं उनमें से ये कंपनी एक है। एंड ये कंपनी मेल, फीमेल, किड्स, सभी तरह के अपैरल सभी तरह के प्राइस पॉइंट पर बेचती है। ये वैल्यू सेगमेंट को भी टारगेट करती है। ऑन दी अदर हैंड ये अल्ट्रा प्रीमियम सेगमेंट को भी टारगेट करती है। अगर हम इस कंपनी की प्रोडक्ट प्राइसिंग देखें तो इस कंपनी के प्रोडक्ट्स 200 रुपए से शुरू होते हैं एंड वो 3.5 लाख रुपए तक जाते हैं। एंड अगर हम इस कंपनी का बिजनेस मॉडल देखें तो इस कंपनी के 4 डिफरेंट ब्रांड नेम है, जैसे कि कला मंदिर, मंदिर, वारा महालक्ष्मी, KLM फैशन। एंड इन 4 ब्रांड नेम्स के अंदर इस कंपनी के साउथ इंडिया के अंदर 54 स्टोर्स हैं एंड सबसे ज्यादा स्टोर्स इस कंपनी के तेलंगाना के अंदर हैं एंड वहीं से इस कंपनी की सबसे ज्यादा रेवेन्यू आती है। अब जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ये कंपनी ऑलमोस्ट सभी तरह के अपेरल्स में डील करती है, बट मेनली ये कंपनी जानी जाती है अपनी साड़ियों के लिए, अपनी साड़ियों की वेराइटीज के लिए। एंड यही रीजन है दैट इस कंपनी के टोटल सेल का अप्रोक्सीमेटली 68% वो साड़ियों की सेल के थ्रू आता है। अब जैसा कि मैंने पहले भी बताया दैट ये कंपनी सभी तरह के प्राइस पॉइंट पर अपने प्रोडक्ट्स को ऑफर करती है, बट इस कंपनी की जो मैक्सिमम रेवेन्यू है वो आती है इस कंपनी की प्रीमियम या फिर अल्ट्रा प्रीमियम प्रोडक्ट से। एंड जो प्रीमियम या फिर अल्ट्रा प्रीमियम प्रोडक्ट्स होते हैं उनको नॉर्मली लोग ऑनलाइन लेना पसंद नहीं करते। एंड यही रीजन है दैट इस कंपनी की अप्रोक्सीमेटली 98% रेवेन्यू और 99% रेवेन्यू वो फिजिकल स्टोर्स के थ्रू आती है एंड सिर्फ 1% रेवेन्यू है जो ऑनलाइन मोड के थ्रू आती है। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू को स्टेट वाइज डिवाइड करें तो तेलंगाना से इस कंपनी की सबसे ज्यादा रेवेन्यू आती है। यहाँ से इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू का 44.87% आता है। आंध्र प्रदेश से इस कंपनी की 32.77% रेवेन्यू आती है। तमिलनाडु से इस कंपनी की 9.02% रेवेन्यू आती है एंड बाकी की 13.34% रेवेन्यू आती है कर्नाटका स्टेट। अब इस कंपनी की सबसे ज्यादा रेवेन्यू साड़ियों से आती है एंड जो इस कंपनी की प्रीमियम साड़ियां हैं उनको ये कंपनी डायरेक्टली वीवर से ही परचेज करती है। ये इस कंपनी का एक बिजनेस मॉडल था जो अपने आप में काफी अच्छी पिक्चर प्रेजेंट करता है। अब देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स, दैट इस कंपनी के फाइनेंशियल्स इस कंपनी के बारे में क्या बताते हैं। अगर हम इस कंपनी के टोटल एसेट्स देखते हैं तो मार्च 2021 में इस कंपनी के टोटल एसेट्स थे 665 करोड़ रुपीस के आसपास के, जो कि बढ़कर मार्च 2022 में 842 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच गए हैं। एंड मार्च 2023 में तो इस कंपनी के टोटल एसेट्स वो 1220 करोड़ रुपीस के आसपास हैं। ऐसे ही इस कंपनी की रेवेन्यू ये मार्च 2021 में 680 करोड़ रुपीस के आसपास है, जो कि बढ़कर मार्च 2022 में 1133 करोड़ रुपीस पर है। एंड ये फर्दर इंक्रीज होकर मार्च 2023 में 1359 करोड़ पर पहुंच गई है। ऐसे ही ये एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, हालांकि एज कंपेयर टू रेवेन्यू इस कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा सा कम है। मार्च 2021 में इस कंपनी का टोटल प्रॉफिट वो सिर्फ 5 करोड़ रुपए था, मार्च 2022 में वो 5 करोड़ से बढ़कर 58 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच गया है। इस कंपनी का प्रॉफिट मार्च 2022 में फिर से बढ़ा है एंड वो अप्रोक्सीमेटली 98 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच गया है। अभी भी इस कंपनी ने 100 करोड़ का प्रॉफिट क्लॉक नहीं किया है। बट अगर हम इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखें तो यहाँ पर हमें एक अच्छी पिक्चर नजर आती है, बिकॉज 2021 में इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो वो नेगेटिव था, जो कि बढ़कर मार्च 2022 एंड 23 में पॉजिटिव हो गया है। हालांकि मार्च 2023 में एज कम्पेयर टू मार्च 2022 इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो थोड़ा सा कम हुआ है। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी के एबिटा मार्जिन देखें, नेट मार्जिन देखें, तो वहां पर इस कंपनी के ये मार्जिन कंटिन्यूसली इंप्रूव होते जा रहे हैं। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी के टोटल बोरोइंग देखते हैं तो वो इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से थोड़ा सा कंट्रोल में है। मार्च 2021 में इस कंपनी की टोटल बोरोइंग 218 करोड़ रुपीस के आसपास थी, जो कि मार्च 2023 में 345 करोड़ रुपीस के आसपास तक पहुंच गई है। तो ये इस कंपनी के फाइनेंशियल्स थे जो अपने आप में एक अच्छी पिक्चर प्रेजेंट करते हैं। अब इस कंपनी को फर्दर ग्रो करना है एंड इसके लिए ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है।
इस कंपनी का टोटल आईपीओ साइज है 1,201 करोड़ रुपीज का, इसमें से 600 करोड़ रुपीज का फ्रेश इशू है एंड बाकी ऑफर फॉर सेल है। एंड इस कंपनी का आईपीओ ये 20 सितंबर को ओपन होगा, 22 सितंबर को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 4 अक्टूबर को बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टिंग होगी। 210 से 222 रुपीज का प्राइस बैंड है, 67 शेयर का लॉट साइज है एंड इस हिसाब से आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी 14,874 रुपीज की। एंड इस आईपीओ के थ्रू जो पैसे इस कंपनी के पास आएंगे उन पैसों का यूज करके ये कंपनी 25 नए स्टोर्स ओपन करेगी, 2 वेयरहाउस ओपन करेगी। ऐसे ही जो इन स्टोर्स की वेयरहाउस की जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसके लिए भी ये कंपनी कुछ पैसे यूज करेगी एंड कुछ पैसे ये कंपनी यूज करेगी अपनी डेट्स की रिपेमेंट के लिए एंड कुछ पैसे यूज होंगे जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेस के लिए। सो अभी तक हमने इस कंपनी के बारे में जाना, कंपनी के फाइनेंशियल्स देखे, कंपनी का आईपीओ स्ट्रक्चर देखा, अब देखते हैं दैट ये कंपनी अपने कॉम्पिटिशन में कहाँ स्टैंड करती है। अब जिस सेगमेंट से ये कंपनी बिलोंग करती है वो ऑलरेडी एक पॉपुलेटेड सेगमेंट है एंड यहाँ पर अपने ड्राफ्ट एंड प्रोस्पेक्टस में इस कंपनी ने कुछ कंपनियों को अपना कॉम्पिटिटर रिकॉग्नाइज किया है। वो कंपनियां हैं सुपर स्टॉप्स, आदित्य बिरला फैशन रिटेल, टाटा ट्रेंड, गो कलर्स, टीसीएनएस क्लोथिंग एटसेट्रा एटसेट्रा। रेवेन्यू वाइज ये कंपनी अपने कॉम्पिटिशन में सबसे छोटी कंपनियों में से एक है एंड ऐसे ही अगर हम इस कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें फिर चाहे वो ग्रॉस मार्जिन हो, एबिटा मार्जिन हो, नेट मार्जिन हो, वहां पर ये कंपनी अपने कॉम्पिटिशन में काफी नीचे ऑपरेट कर रही है। टाटा ट्रेंड इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा प्रीमियम पर ट्रेड कर रही है, सुपर स्टॉप्स इस सेगमेंट में सबसे कम प्रीमियम पर ट्रेड कर रही है एंड इस इंडस्ट्री का जो एवरेज पी है वो 99 का है एंड ये कंपनी अप्रोक्सीमेटली 27 के पीई पर अपना आईपीओ लेकर आ रही है। मार्केट में इस कंपनी से बड़ी कंपनी अवेलेबल है, इस कंपनी से छोटी कंपनी अवेलेबल है, इस कंपनी से ज्यादा बेटर परफॉर्म करने वाली कंपनी अवेलेबल है। सो क्वेश्चन आता है क्या आपको इस आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं। सी दिस इज योर पर्सनल डिसीजन एंड इस आईपीओ को सब्सक्राइब करना है नहीं करना इसका डिसीजन आपको काफी सोच समझ कर लेना चाहिए एंड जो अभी तक हमने इस वीडियो में इस कंपनी के बारे में डिस्कस किया है वो आपको काफी हद तक हेल्प करेगा एक अच्छा डिसीजन लेने में। बट कुछ फैक्टर्स आपको जरूर कंसिडर करने चाहिए जैसे कि प्रेजेंट मार्केट सिचुएशन, अभी ये आईपीओ के लिए एक आइडियल टाइम है एंड यही रीजन है कि काफी सारी कंपनियां अपना आईपीओ लेकर आ रही हैं। तो नॉर्मली जब इस तरह की मार्केट में कोई कंपनी अपना आईपीओ लेकर आती है तो बाद में जब मार्केट करेक्ट होती है तो नॉर्मली हमें उन कंपनीज के शेयर में भी करेक्शन देखने को मिलता है एंड कई बार तो कंपनियों के जो शेयर होते हैं वो आपको आईपीओ प्राइस से भी नीचे मिल जाते हैं। अगला फैक्टर है ये कंपनी एंड इसके कॉम्पिटिटर, इस कंपनी से बड़ी कंपनियां मार्केट में अवेलेबल है, इस कंपनी से छोटी कंपनियां मार्केट में अवेलेबल है, इस कंपनी से बेटर परफॉर्म करने वाली कंपनियां मार्केट में अवेलेबल है, तो फिर आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करने की क्या जरूरत है। फिर भी अगर आप इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहते हैं टेक योर डिसीजन केयरफुली एंड इसी तरीके और वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें।